साथ यहाँ पे मोहल्ले में दरवाजे पे तमाम ताऊ जुड़े हुए हैं, उनमें से एक हरेंद्र ताऊ भी जुड़े हुए हैं, जिनको आपने कई बार इस हमारे इस चैनल पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे बेबाकी से अपने अपने आवाज़ को रखते हैं और सरकार के आंखों में आंखें डाल कर सवाल पूछते हैं कि बताओ कि इस देश में तुमने जब कहा था कि यहाँ पे युवाओं को रोज़गार देंगे, तुमने कहा था कि यहाँ पे शिक्षा में सुधार लाएंगे, तुमने कहा था कि यहाँ पे सबका साथ सबका विकास होगा, यानी कि हिंदू मुसलमान साथ रहेंगे, लेकिन आज के वक्त में अगर आप देखें तो वैसा माहौल देश के अंदर नहीं है जैसा कि हमारे बाप दादा ने सोचा था। हमारे बाप दादा ने जिस वक्त अंग्रेज़ों को इस देश से भगाया था तो ऐसा नहीं सोचा था कि आने वाले 70 सालों में हमारे इस देश का ऐसा भी माहौल बनेगा कि जहाँ पे हिंदू मुसलमान से नफरत करने लगे और मुसलमान हिंदू से नफरत करने लगे। लेकिन ऐसा इस देश में कब तक चलेगा? हमारे साथ यहाँ पे हरेंद्र ताऊ है। हरेंद्र ताऊ, आप ये बताइए कि क्या आपके बाप दादा ने ऐसा सोचा था कि कभी ऐसा देश का माहौल होगा? देखिए, हमारे बाप दादा तो हमें बहुत अच्छा देश दे के गए थे जी। जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो वहाँ उस लड़ाई में ना कोई हिंदू था ना मुसलमान था जी। ना कोई सिख था ना ईसाई था जी। वो सब लड़ाई लड़ने वाले भारतवासी थे। लेकिन उस समय भी जयचंद थे और आज भी जयचंद हैं। उस समय आरएसएस गद्दार थी और उन्होंने गद्दारी करी थी और अंग्रेजों का साथ दिया था, और आज फिर देश गुलामियत की तरफ जा रहा है और वही आरएसएस वालों के हाथ में सत्ता चली गई। चौधरी चरण सिंह जी कह करके गए थे कि कुछ भी करना, मेरे से नाराज हो जाना, मुझे वोट मत देना, लेकिन इन आरएसएस वालों से बच के रहना। लेकिन हम नहीं माने, झांसे में आ गए और झांसे में आके हमने अपने घरों तक घुसा लिए, और आज आप देख रहे हो कि आरएसएस वाले हमारे घर में घुस गए और हमारा किसान सड़कों पे आ गया। पहले ऐसा जो हमारे देश का फिजा था वो नहीं, जैसे पहले था वैसा अब नहीं है, तो इससे कैसे बचा जाए देश को, कैसे बच पाएगा हमारा ये देश? देखिए, बचाना तो पड़ेगा जी। और अगर नहीं बचा पाए, क्योंकि हम ही सबको बचाना पड़ेगा, सबको मिलकर बचाना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई भगत सिंह यहाँ पैदा नहीं होगा, कोई अशफाकुल्ला यहाँ नहीं आएगा, कोई चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ नहीं आएगा हमें बचाने, तो हमें खुद बचना पड़ेगा और वो इनसे लड़ना पड़ेगा। उस समय एक अलग माहौल था, आज अलग माहौल है। आज हमारे हाथ में ताकत है और वो ताकत है वोट की चोट की। वोट की चोट की। आप ये बताइए ताऊ, क्या आपने कसमें खा रखी हैं कि हम भाजपा को हराएंगे? देखिए, कसमें नहीं खाई, प्रण लिया है, क्योंकि ये ताऊ 13 महीने बॉर्डर पे तप के आया है, तपस्या करके आया है, 13 महीने की ट्रेनिंग लेके आया। तो मोदी जी भी किए थे। देखिए, 2 मिनट के लिए कोई तपस्या करे उसे ढोंगी कहते हैं, और जो सर्दी गर्मी बरसात झेल करके आए उसे हिंदुस्तान का तो किसान क्या चाह रहे हैं कि मोदी जी ढोंग करते हैं? ढोंग है? कैसे? प्रधानमंत्री है देश के। देखिए, ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। तपस्या अपराधियों की फेल होती है। जो सच्चे मन से तपस्या करते हैं वो तपस्या कभी फेल नहीं होती। और किसान जब बॉर्डर की तरफ गया था तो सच्चे मन से गया था कि या तो मेरे बिल वापस होंगे या मेरी अर्थी वापस आएगी, और 750 किसान शहादत दे करके अर्थी पे अपने घर आए। पहले अपराधी यहाँ पे ऐश करता था, लेकिन बाबा की सरकार में छाती छिद जाती है। अरे, बाबा खुद अपराधी है, कैसे कह सकते? और अपराधी तो जब देश का गृह मंत्री अपराधी रहा हो, देश का गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री किसानों का अपराधी हो, उन पे गाड़ी चढ़ाता हो, उनकी हत्या करता हो, और इसे ढोंगी बाबा पे तो 28 मुकदमे थे, अपने आप वापस ले लिए, तो उसे अपराध मुक्त नहीं कहते। सुरेश राणा, संगीत सोम और केशव प्रसाद मौर्य, दोनों डिप्टी सीएम, और आज लिस्ट निकाल लो, 100 से ज्यादा अपराधी बीजेपी में है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप कैसे इस चीज को कह सकते हैं कि भाजपा की जो है इस बार यहाँ पे हार होगी, क्योंकि भाजपा के साथ एक लंबी टोली है जो कि साथ साथ चल रही है, तो कैसे कह सकते हैं? जब यहाँ अंग्रेज थे तो वो भी यही सोचते थे और देश की जनता भी यही सोचती थी कि इनके हाथ में बंदूकें हैं तो इनसे कैसे पार पाएंगे। लेकिन देश की जनता ने छाती अड़ा दी थी। तो क्या लग रहा है कि यूपी की जनता किस चीज पे वोट करेगी? विकास, रोजगार, शिक्षा के नाम पे या हिंदुत्व के नाम पे? क्या चलेगा इस बार यहाँ पे? इस बार खदेड़ा चलेगा यहाँ से, खदेड़ा, बीजेपी का खदेड़ा।
हाँ, और आप देख रहे हो जनता आप देख नहीं रहे, उनके विधायकों को दौड़ा रही है जनता। अरे एक ताऊ है, कितना प्यार कर रहे हैं जनता, और ताऊ तो चुनाव भी नहीं लड़ रहा। मौका मिल जाए ताऊ को चुनाव लड़ने का, कभी मौका तो खूब मिल रहे है। मौका तो ताऊ को, सारी पार्टियां कह रही ताऊ हमारी पार्टी से चुनाव लड़ ले बीजेपी को छोड़ के। ताऊ चुनाव नहीं लड़ता, ताऊ प्यार करता है, ताऊ इनके साथ है। कल को अगर जीतने वाली सरकार इनके खिलाफ कोई गलत काम करती है तो ताऊ उसके खिलाफ भी धरने पे बैठेगा। इतना आप बोल रहे हैं, मोदी जी से डरने लगता है, योगी से डरने लगता है, फिर तो कहते हैं कि बोलने की आजादी नहीं है। मोदी के सींग है, योगी के सींग है, जो मारेगा, जो डर गया समझो मर गया। और ये ताऊ तो डरता ही नहीं। सच को सच कहना अगर बगावत है तो ये बगावत तो हर बार करो। मोदी जी भी कहते हैं, कौन कहता, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था इससे युवा से, वो सच था। 15 लाख का इन बुजुर्गों से वादा किया था, वो सच था। लाल किले से बोला था, वो सच था। किसान का पेमेंट 14 दिन में करूंगा, कर दिया। किसान की आय दुगनी करूंगा 2022 में, अब क्या 27 चल रहा, 2022 ही तो है, कहाँ गई दुगनी तो करी नहीं, जो इन पे थी वो और छीन ली। अच्छा, जैसे क्या छीना है आपका है? आपका क्या छीना? 1888 का माल 800 में, गन्ने का पेमेंट नहीं, बिजली का बिल पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा, और खाद के कट्टे में 5 किलो की चोरी, और पेट्रोल डीजल सरसों का तेल कहाँ गया? तो कहाँ हुआ, लोग तो कह रहे हैं कि पेट्रोल 1000 रुपए पार हो जाए हम सह लेंगे, देश हित में तो हो रहा है। कौन कह रहा? मोदी जी के जो समर्थक है, जिसको मोदी भक्त बोलते हैं। देखिए एक कहावत है, कोई माता बहन तो ना यहाँ कोई, एक कहावत है, एक बीमारी होती है बवासीर की, उसमें दर्द तो बहुत हो लेकिन लोग बाग चेहरा खिला सा रखे ताकि पता ना चल जा। अच्छा। तो वे जो पेट्रोल खरीद रहे ना, बात कर रहे वो वे लोग हैं कि महंगाई की मार उन्हें भी झिल रही पर वो बता नहीं सकते, क्यों कि उनके गले में आरएसएस का पट्टा पड़ा, और पट्टा किसके गले में हो ये तो तुम जानो। नशा भी तो हो सकता है, हमसे ज्यादा धर्म मानने वाले हैं वो, जिसके मुख्यमंत्री को ये पता नहीं कि जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसकी तरफ पीठ नहीं करते, हर वो कैमरे को करने के चक्कर में भगवान को पिछवाड़े करके हर कैमरे की आरती तार रहा। आप किसकी बात कर रहे हैं, ताना किसकी तरफ है? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, हाँ मैं झूठ नहीं बोलता, न्यासी हैं आप, तो उनको 10 तारीख के बाद एक गाना बजेगा। कौन सा गाना? चल सन्यासी मंदिर में। अच्छा, ये गाना बजेगा। कौन बजाएगा? जनता। अच्छा, यहाँ देश के अंदर जनता सर्वोपरि है, बिल्कुल, और उनको मौका मिल चुका है कि वोट की चोट से ऐसा चोट करेंगे कि योगी जी मठ में होंगे और मोदी जी गुजरात में होंगे। खड़े हैं हम लोग, कहाँ हमारी बात हो रही है? हसनपुर गांव है, हापुड़ विधानसभा क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र हसनपुर में है। 10 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है, तो क्या लग रहा है ये जनता से पूछ लो। जनता से हम पूछ लेंगे, आप यहाँ पे जनता के बीच में रहते हैं। तुम फिर कहोगे कि तब आपने बोला तो ये आप ऐसे बोल गए, मैं तो अपने कहने से पहले कह रहा हूँ इनसे पूछ लो। अभी हम जनता से पूछेंगे तभी तो पता चलेगा कि ताऊ सच बोल रहे हैं या ताऊ अपनी तरफ से तो सुन ले। सुनाइए, खदेड़ा ऐसा होगा, ऐसा होगा कि इस बार ये ढूंढते रह जाएंगे और हैंडपंप और साइकिल विधानसभा पहुंच जाएंगे। साइकिल चलेगी या दौड़ेगी या पंचर होगी? देखिए महंगाई, ना डीजल लगेगा ना पेट्रोल लगेगा, साइकिल चलेगी और हैंडपंप से इतना पानी निकलेगा कि ये ऊल फूल सब डूब जाएंगे, सारे बह जाएंगे, सब डूब जाएंगे। अच्छा आप ये बताइए कि अभी देखा गया है कि भाजपा के कई बड़े चेहरे, कई बड़े नाम ऐसे हैं जो कि भाजपा पार्टी को छोड़ करके वो किसी और दल का जो है हाथ थाम रहे, तो क्या अंदर चल रहा है कि जो भाजपा के लोग हैं वो अपने ही दल को छोड़ रहे हैं, बगावत कर रहे हैं? डूबते जहाज पर कोई बैठना चाहेगा? ये तो डूबता जहाज है और डूबते जहाज पे कोई नहीं बैठता, भाजपा अब डूबता जहाज है। जिसका ड्राइवर प्रधानमंत्री मोदी हो, जिसके ड्राइवर अमित शाह हो, जिसके ड्राइवर योगी ऐसे हिंदू हो, तो वो जहाज क्यों डूब सकता है? देखिए जहाज को पायलट जो है वो चला सकता है, डूबते को नहीं बचा सकता। और जब जहाज डूबता है तो किसी बड़े बुजुर्ग से भी पूछ लेना, सबसे पहले चूहे भागते हैं। अच्छा। और चूहों ने भागना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए जहाज गया। अच्छा, तो मतलब लग रहा है कि इस बार जो है बंगाल की तरह यहाँ पे खेला
और देखिए बंगाल में बंगाली भाषा का खेला होबे, मटर खेला होबे होबे, और यहाँ तो हम तो ठेठ हिंदुस्तानी है, हिंदी हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तो भाई यहाँ तो सीधा हो खदेड़ा हो, खदेड़ा हो भाजपा जाएगी, भाजपा जाएगी, जाएगी नहीं गई, जाएगी, अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ, पहले आप कहते भविष्यवाणी कर रहे हैं, बना चुकी है, के पास जाएंगे देख लीजिए, फिर ऐसा ना हो कि फिर कैमरे पे आपको पता है कि लाखों लोग देखेंगे, देखिए आप भी जानते हैं और आपके व्यूवर्स भी जानते हैं, ताऊ कभी झूठ नहीं बोलता, तो ताऊ ने जनता की तो बात बताता हूँ, मेरे पास अपने पास क्या धरा, ताऊ के पिटारे में कुछ नहीं, ताऊ तो जनता की भाषा बोलता है और जनता मन बना चुकी है कि इस बार परिवर्तन करा। सवाल आपसे ताऊ करेंगे, थोड़ा सा मान लीजिए ना, जो प्रधानमंत्री मोदी अगर आप लोगों के लिए कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा मानिए ना, काहे जीत पे अड़े हुए हैं, 8 साल से क्या करा हमने, मानना ही तो है, बता गन्ने का पेमेंट 14 दिन में देंगे, ये 2017 में कहा था, हर साल कौन सा 2022, 14 दिन नहीं दिया तो ब्याज देंगे, अरे ब्याज तो छोड़िए मूलधन नहीं आया है, और भाई यही प्रधानमंत्री है, हमें तो परजीवी बोला था, परजीवी किसे कहे, खून पीने वाले को है, तो बता हम परजीवी हैं, और भाई जब हम परजीवी हैं तो मोदी जी और योगी को बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे सामने आ गए तो उसका भी खून पी जाएंगे हम तो, अच्छा क्योंकि हम हमें आतंकवादी कहा, हमें खालिस्तानी कहा, हमें पाकिस्तानी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, माओवादी कहा, नक्सली कहा, मवाली कहा, आंदोलन जीवी कहा, परजीवी कहा, अय्यास जीवी कहा, और बागपत की सांसद की बेटी ने तो हमें भेड़िया कहा, और एक गांव की कहावत है कि जब जंगल में भेड़िए के सामने आते हैं तो भेड़िया कुछ नहीं देखता, पाड़ के खा जाता है, और ये 10 तारीख आ रही है, अब ये आएंगे और तो ये जो भेड़िए हैं ये तो भाई पाड़ के खा जाएंगे, फूल चबाने की तैयारी में है, देखिए हम चबाते नहीं निगल जाते हैं, निगल जाते हैं, चलिए अब जनता से भी हम जुड़ते हैं, हम आपसे आपसे मैंने वादा किया था कि जनता से भी जुड़ेंगे, तो आपको बताएं कि बता दें कि हमारे साथ जो इस वक्त जुड़े हुए थे हरेंद्र ताऊ जुड़े हुए थे।